हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीमफ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं मूवी ओमेटा। ओमेटा ब्रिटिश मुस्लिम टेररिस्ट अहमद ओमर सैयद शेख की कहानी है, जिसे ओसामा 2.0 भी कहा जाता है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर अवेलेबल है और आप इसे पेड सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ओमेटा। कहानी शुरू होती है 1994 लाहौर पाकिस्तान से। ओमर की मिलिटेंसी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। मौलाना अब्दुल्ला इसे इंडियन करेंसी, शहर के नक्शे और कुछ फर्जी आईडीज के साथ दिल्ली भेज रहा है। इसका नाम होगा रोहित वर्मा। अब्दुल्ला इसे मिशन समझाता है। तुम्हारे टारगेट होंगे अमेरिकन, ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन टेररिस्ट, पर इसराइलियों से खासा बचकर रहना। किसी भी इजरायली को मारने का मतलब है उनकी इंटेलिजेंस मोसाद से पंगा लेना और पूरे मिशन को खतरे में डाल देना। ओमर अब दिल्ली पहुंच चुका है। ये वहां के स्लीपर सेल से मिलकर मिशन डिस्कस करता है और फिर दिल्ली पहाड़गंज के गोविंद ढाबा में आकर इस फॉरेनर के साथ बैठ जाता है। इसका नाम है रे पार्टरीज और ये एक यूरोपियन है। ओमर खुद को ब्रिटिश नराई बताता है और चेस खेलने के बहाने इसे दोस्ती कर इसकी पूरी जानकारी ले लेता है। अब नाके पे पुलिस रोककर इसका नाम पता पूछती है और इंस्पेक्टर कहता है, नाम तो तेरा रोहित है पर तू शक्ल से मुसलमान लग रहा है। ये निकल तो जाता है पर उसे शक हो जाता है और वो इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अब ये पार्टरीज से दोबारा मिलता है। वो इसे अपने ब्रिटिश दोस्तों क्रिस और पॉल से मिलाता है और ओमर दिल्ली दर्शन करने के बहाने इन सब से दोस्ती कर लेता है। ये सभी अब इसके साथ चेस खेलने इसके घर जा रहे हैं। ये अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देता है, डॉक्टर साहब मैं मरीज लेकर आ रहा हूँ, ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। कुछ देर बाद ओमर के तीनों साथी आकर इन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। पार्टरी जिसे पैसे ऑफर करता है पर ये कहता है, जब तक तुम कोऑपरेट करोगे जिंदा रहोगे, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी सरकारों से दिक्कत है जो हमारे भाइयों को मार रही है। अब ये मार्केट में इस अमेरिकन लेडी बेला के पीछे जाता है, जिसे इसने गोविंद ढाबा में देखा था, और एंटीक्स खरीदने के बहाने इसे दोस्ती कर लेता है। ओमर इसे कहता है, मैं अपनी वाइफ के साथ रेड फोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, और अपनी वाइफ को पिक करने के बहाने से ये इसे भी यहाँ लाकर हॉस्टेज बना लेता है। ओमर अब इन चारों का वीडियो बनाता है और बेला से बुलवाता है, अगर US गवर्नमेंट इनके मुसलमान भाइयों को परेशान करती रहेगी तो अमेरिकन पब्लिक भी पूरी दुनिया में कहीं सेफ नहीं रहेगी। ये खबर ग्लोबल न्यूज बन जाती है। इसका प्लान था इन चारों के बदले कश्मीरी सेपरेटिस्ट को जेल से रिहा करवाना, पर ये पकड़ा जाता है। कस्टडी में इसकी जमकर कुटाई होती है। इसकी पहली चार्जशीट बनती है और ओमर शेख के नाम के साथ मिलिटेंट और टेररिस्ट शब्द जुड़ जाता है। कुछ वक्त गाजियाबाद और मेरठ जेल में बिताने के बाद अब ये तिहाड़ जेल में है। इसके अब्बू सैयद शेख सरकारी वकील मजीद के साथ इससे मिलने आते हैं। वो कहता है, पुलिस ने तुम पर ऐसे चार्ज लगाए हैं कि तुम बच नहीं सकते। अब मैं कोर्ट में बस इतनी डिमांड करूंगा कि तुम एक ब्रिटिश सिटीजन हो, इसीलिए तुम्हें उन्हें ही सौंप दिया जाए। ओमर ये सुन याद करने लगता है, जब ये 2 साल पहले लंदन में था, LSE से ग्रेजुएट होने वाला था। ये एकेडमिक्स में ब्राइट होने के साथ साथ चेस चैंपियन भी था और लंदन की आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप भी जीत चुका था। कहानी अब 1992 में जाती है। ये मिलिटेंट बोस्निया के सर ब्लॉकेट में हुए मुस्लिम्स पर अत्याचार को लेकर इन कॉलेज स्टूडेंट्स को भड़काता है, इस्लाम को बचाने के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करता है और इन्हें जिहाद के रास्ते पे चलने के लिए कहता है। ओमर अब अपने अब्बू से बात करता है, मैं बोस्नियक्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ और पढ़ाई छोड़कर बोस्निया जाकर उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। सैयद इसे बहुत समझाता है, जाने से रोकता है, पर वो इसकी एक नहीं सुनता। ओमर मौलाना इस्माइल से मिलता है। वो इसे पाकिस्तान जाकर मौलाना अब्दुल्ला से मिलने को कहता है। सईद ये सुन परेशान हो जाता है, पर इस्माइल इसे कहता है, वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है, उसे मत रोकिए और मुझ पर भरोसा रखिए। अब ओमर पाकिस्तान आ गया है। मौलाना अब्दुल्ला इसे बाकी लड़कों के साथ मिलिटेंसी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेज देता है। अलकायदा लीडर इसे ISI जनरल महमूद से मिलाकर कहता है, अच्छा लगता है जब आप जैसे पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले मुसलमान दीन के लिए जिहाद में शामिल होते हैं। हम चाहते हैं आप जनरल साहब के साथ मीरान शाह जाएं और वहां अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लें। मीरान शाह में इन्हें बम बनाना, डार्क वेब पर काम करना सिखाया जाता है और कश्मीर को इंडिया से आजाद कराने के लिए जंग जारी रखने को कहा जाता है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये ओमर को दिल्ली पहाड़गंज भेजना चाहता है। ओमर कहता है, मैं तो यहाँ बोस्निया के लिए आया था, पर अब लगता है कश्मीर को मेरी ज्यादा जरूरत है।
अब कहानी तिहाड़ जेल लौटती है। साल 1999, उमर की सजा को 5 साल पूरे हो चुके हैं और तभी कांधार में हरकतुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 हाईजैक कर 176 पैसेंजर्स के बदले 3 टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरदार और उमर सैयद शेख की आज़ादी की मांग रखता है। सैयद शेख अब मौलाना इस्माइल से कहता है, कुछ ही महीनों में उमर रिहा होने वाला था पर इस घटना ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया है। यहाँ लंदन में सईद बहुत परेशान है लेकिन अफगानिस्तान में इसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। एक साल बाद कराची में उमर की सायदा नाम की पाकिस्तानी गर्ल से शादी हो जाती है, रुखसार नाम की बेटी भी हो जाती है। अब्बू को लगा था शादी के बाद ये जिहाद का रास्ता छोड़ देगा लेकिन उसके जीवन का तो अब एक ही मकसद है, दुनिया से काफिरों का खात्मा। अब आती है 9/11 की घटना जिसमें अलकायदा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करती है। वैसे तो इसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन पर अमेरिकन इंटेलिजेंस को इसकी फंडिंग में उमर शेख का नाम मिलता है जिसने दुबई में रहकर कई स्पैम्ड अकाउंट के जरिए इस अटैक के लिए फंड्स ट्रांसफर किए। कहानी आगे बढ़ती है 2001 मुंबई। ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल का ज्यूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनी पर्ल ये रिपोर्ट तैयार करता है। कहने को तो पाकिस्तान ने जैश मोहम्मद पर बैन लगा दिया है लेकिन फिर भी उसे जनरल परवेज मुशर्रफ का सपोर्ट है और दाऊद इब्राहिम भी ISI के साथ मिलकर टेरर अटैक्स प्लान करता है। पर्ल को पाकिस्तान आते ही एक नाम मिलता है, शेख मुबारक अली शाह गिलानी, जिसके शू बॉम्बर नाम से मशहूर ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट रिचर्ड रीड से कनेक्शन है जिसने 2001 में अमेरिकन फ्लाइट में शू बॉम्ब फोड़ने की एक नाकाम कोशिश की थी। जनवरी 2002, उमर शेख बशीर नाम से डैनी से मिलने अकबर होटल रावलपिंडी आता है। ये पर्ल को गिलानी से मिलने लाहौर आने को कहता है पर उससे पहले इसे साबित करना होगा कि ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट है और इसका CIA से कोई कनेक्शन नहीं है। और पर्ल अब इसे अपने पूरे रिसर्च पेपर्स मेल कर देता है। अब महमूद उमर से मिलने आता है, ये बताता है डैनी को हमारे बारे में बहुत कुछ पता है और जनरल इसे रास्ते से हटाने का हुक्म देता है। उमर अब महमूद से गिलानी के बारे में पूछता है और वो बताता है गिलानी कोई है ही नहीं, ये बस इसे फंसाने के लिए एक फेक आइडेंटिटी है। पर्ल इसके कहने पर लाहौर आता है और यहाँ होस्टेज बना लिया जाता है। उमर अब इसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, ग्वांतानामो बे से अगर पाकिस्तानी कैदियों को रिलीज नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा। उमर कहता है तुम इजरायली हमारे फिलिस्तीन भाइयों पर अत्याचार कर रहे हो पर अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं, तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा यूं ही मिलती रहेगी। डैनी अब यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करता है और उमर इसकी गर्दन काट कर वीडियो बनाता है, इसके टुकड़े टुकड़े करता है और इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट भी कर देता है। डैनी पर्ल की मौत की खबर पूरी दुनिया को हिला के रख देती है और अमेरिका के दबाव में उमर शेख को पाकिस्तानी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जनरल मोहम्मद उसे तसल्ली देता है, यह अरेस्ट सिर्फ एक दिखावा है, तुम बस चुपचाप रहना, तुम्हें निकलवा दिया जाएगा और तुम्हारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके खिलाफ अब सारे सबूत मिल चुके हैं, कैसे इसने फर्जी मेल्स के जरिए डैनी पर्ल को पाकिस्तान बुलाया और फिर 1 महीने हॉस्टेज रखने के बाद उसकी मौत का वीडियो रिलीज किया। उमर शेख को 15 जुलाई 2002 को सजाए मौत होती है लेकिन फिर भी उसे फांसी नहीं होती। 2008 के 26/11 मुंबई अटैक के अगले दिन पाकिस्तान की हैदराबाद जेल में रहते हुए उमर शेख 2 होक्स कॉल करता है। पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बन पाक प्रेसिडेंट जरदारी को वॉर की धमकी देता है और फिर पाक प्रेसिडेंट बन इंडिया में भी वैसा ही एक कॉल करता है जिससे इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आज उसे सजाए मौत हुए 18 साल हो चुके हैं पर अब तक उसे फांसी नहीं हुई और अप्रैल 2020 में पाकिस्तान के सिंध कोर्ट द्वारा उमर शेख पर लगे डैनी पर्ल के मर्डर चार्जेस को घटाकर किडनैपिंग कर दिया गया है और तभी से पाकिस्तान सरकार द्वारा उमर शेख को रिहा कराने की कोशिश की जा रही है। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो Zee5 पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वेब सीरीज वाले चैनल Netflix इंडिया को भी एक बार विजिट जरूर कीजिए और पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।